गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम आरटीएस पब्लिक स्कूल्स। टुडे प्रेजेंटेशन क्लास के सब्जेक्ट मैथ्स। अभी हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जैसे पिछले वाला क्लास भी हमारा यही था, इसी चैप्टर से रिलेटेड था, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज 43 इसमें कुछ क्वेश्चन समझाए गए हैं, इन्हें फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को इजी हो जाए, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर एक ई बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें 16 मीटर, इसको हमको कन्वर्ट करना है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना मीटर है? 16 मीटर। तो 16 मीटर इज इक्वल टू 16 इनटू 100 इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी हम ई बता दे रहे हैं। ई में 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ध्यान देंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 मीटर है तो 10 सेंटीमीटर में तो कुछ करना ही नहीं चुका है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ये 10 सेंटीमीटर वाला डी है तो प्लस 10 यहाँ पे मार्क सेंटीमीटर का देंगे। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर एंड सेंटीमीटर। तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, जैसा कि यहां पे मीटर दिया था और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहां कंडीशन अपोजिट है। यहां सेंटीमीटर दिया हुआ है और कुछ किस चीज में कन्वर्ट करने के लिए तो मीटर में दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे 100 से डिवाइड देंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड, ठीक है। फिर से तो कितना जीरो है, दो, दो राइट साइड से, कौन सा साइड से, राइट साइड का हमारा ये है, राइट साइड से दो डिजिट 1 10 1 2 यहां पे मतलब 5.19 मीटर, इसको ब्रैकेट के अंदर 5 मीटर। अच्छा, पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 मीटर हो गया, और पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 1 9, तो 1 9 मतलब 19 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, 519 सेंटीमीटर है कन्वर्टेड टू मीटर एंड सेंटीमीटर, इसको हम 100 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 100 में कितना कितना चीज है 2, तो राइट साइड हमारा ये होगा, राइट साइड से टू डिजिट निकालें तो 1 2, अब यहाँ पे पॉइंट कर देंगे 1 2, टू डिजिट के बाद पॉइंट पड़ गया, मतलब 5.19 मीटर हो गया, ठीक है। मतलब 5 मीटर और 19 सेंटीमीटर, पॉइंट से पहले आएगा वो मीटर हो जाएगा और पॉइंट के बाद जो आएगा वो सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 4 का भी हम आपको ई बता दें, ठीक है। 4 में है 2 किलोमीटर और 5 मीटर, अब कन्वर्ट इसे करना है कन्वर्ट इनटू मीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू 1000 हो जाएगा, 2 इनटू 1000 प्लस ऑलरेडी कितना मीटर है 5 मीटर में प्लस 5 मीटर, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 5 5 में, 5 के ई में है, इसका हमें क्वेश्चन नंबर बी बता सकते हैं।
2756 मीटर। इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर एंड मीटर में, किलोमीटर एंड मीटर में। यहाँ पे हम थाउजेंड से, यहाँ पे जब किलोमीटर था और मीटर में कन्वर्ट करना था थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे मीटर है और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो थाउजेंड से हम डिवाइड करेंगे, थाउजेंड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना? थ्री डिजिट के बाद 0.123 मतलब 1.756 क्या हो जाएगा? इसको किलोमीटर ए किलोमीटर हो जाएगा। तो पॉइंट से पहले क्या है 1 किलोमीटर, पॉइंट के बाद क्या है 756 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है इजी वे, ठीक है। और किसी तरह फिर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 44। तो बाय, हैव ए नाइस डे।